सो अभी हम करेंगे मर्ज सॉर्ट हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो सॉर्टिंग के आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, उसमें से एक मेथड है मर्ज सॉर्ट, जो कि मर्जिंग के कंसेप्ट पे बेस्ड है। लाइक वी हैव डन हाउ टू मर्ज टू एरेज। सो आपके पास दो सॉर्टेड एरेज हैं और आप उनको मिक्स करते हो, आपस में मिलाते हो, मर्ज करते हो, ताकि आपके पास तीसरा सॉर्टेड एरे क्रिएट हो। सो वी मर्ज टू सॉर्टेड एरेज टू क्रिएट अ थर्ड सॉर्टेड एरे। उसी कंसेप्ट को यूज करके आपका मर्ज सॉर्ट बनता है, ठीक है। मर्ज सॉर्ट को हम ये भी कहते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक और डिवाइड एंड रूल टेक्निक, कि आप पूरी लिस्ट को टुकड़ों में डिवाइड करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, और फिर उन टुकड़ों को हम वापस जोड़ते हैं ताकि हमारे पास हमारी लिस्ट जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाए, ठीक है। मैं इसको अभी मैक्सिमाइज कर रही हूँ बिकॉज आई नीड लाइक बिगर स्पेस टू राइट डाउन ऑल द नंबर्स एंड डिवाइड। फिर एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करके देन आई विल टेक योर क्वेश्चंस ऑन इट, ठीक है। सो मर्ज सॉर्ट में हमारे पास जो नंबर्स हैं वो किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, कैन बी इन मिक्सड ऑर्डर और किसी भी कितने भी नंबर्स हो सकते हैं। सो मर्ज सॉर्ट का जो बेसिक लॉजिक है वो क्या कहता है, कि हर स्टेप पे लिस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, फिर एक हाफ को उठाओ, उस एक हाफ के साथ परफॉर्म द ऑपरेशन, ठीक है। सो जो भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, यू विल परफॉर्म दैट ऑपरेशन विथ वन हाफ ऑफ द लिस्ट, ठीक है। सो लेट इट बी, कितने हुए अभी, 4, 5, 6, 7, ओके। सो 18, देन आई टेक 12, 23, 5, एक और ले लेते हैं, लेट इट बी 7, ठीक है। सो ये मेरे पास लिस्ट है जिसमें मेरे पास 10 नंबर हैं और मुझे इनको सॉर्ट करना है मर्ज सॉर्ट की हेल्प से। सो मर्ज सॉर्ट में आप मार्क करोगे एक बिगिनिंग, यू विल मार्क कि आपकी लिस्ट शुरू कहाँ से हो रही है, एंड यू विल मार्क द एंड कि मेरा जो फर्स्ट इंडेक्स है वो क्या है और मेरा लास्ट इंडेक्स क्या है। तो मैंने अपना एक फर्स्ट इंडेक्स रख लिया, एक मैंने अपना लास्ट इंडेक्स रख लिया। हर स्टेप पे हम एक मिडिल एलिमेंट निकालेंगे। सो मिडिल पोजीशन जो आएगी वो होगी बिगिनिंग प्लस एंड अपॉन टू। लाइक फर्स्ट टाइम में इट विल बी 0 प्लस 9 अपॉन 2, 4। तो 0, 1, 2, 3, 4, ये आपका एक हाफ बन जाएगा। सो हम मर्ज सॉर्ट को, ये रिकर्सिव काम है, मतलब सेम काम आपको रिपीट करते जाना है हाफ हाफ पे। तो पहला जो हम करेंगे वो 0 से लेकर मिडिल तक हम रिपीट करेंगे सेम ऑपरेशन, फिर मिडिल प्लस 1 से एंड तक करेंगे। तो हमारे पास ये दो हाफ हो गए। अब पहले वो कॉल करेगा इस हाफ के लिए, जब इस हाफ के लिए कॉल करेगा तो आपके पास बिगिनिंग 0 आएगा और एंड जो है वो आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब मैं सिर्फ फर्स्ट हाफ को लेके चल रही हूँ, अभी उसको हमने साइड पे रख दिया। अब बिगिनिंग 0 और एंड 4 है, तो उस हिसाब से आपका मिड आएगा 0 प्लस 4 अपॉन 2, 2। So, उसके हिसाब से तो मेरे पास अब सिर्फ ये आपका फर्स्ट हाफ हो जाएगा 0 से लेकर 2 तक। अब इसमें आपका बिगिनिंग 0 है, एंड 2 है, तो आपका मिड आ जाएगा 0 प्लस 2 अपॉन 2, विच इज 1। सो अब मेरे पास जो लिस्ट बनेगी वो बनेगी सिर्फ इतनी 0 से लेकर 1 तक। फिर इसका मिड आ जाएगा, इसका मिड आएगा 0। उस हिसाब से 15 अलग हो गया और 20 अलग हो गया। देखो अब आप एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच चुके हो जिसके आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, तो मैं इसके आगे चाहू भी तो टुकड़े नहीं कर सकती। सो 15 एक इकलौता नंबर है जो अपने आप में सॉर्टेड माना जाएगा, है ना। अब अगर नंबर ही एक है 15, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई वो प्रॉपरली अरेंज नहीं है। 15 अपने आप में अरेंज्ड है, 15 इन इटसेल्फ इज अरेंज्ड, 20 इन इटसेल्फ इज अरेंज्ड। तो 15 भी अपने आप में अरेंज्ड है, 20 भी अपने आप में अरेंज्ड है, तो अब हम इनको मर्ज कर सकते हैं। सो मर्जिंग का लॉजिक क्या था, कि दोनों लिस्ट के पहले पहले एलिमेंट को कंपेयर किया जाए, जो छोटा है उसको पहले ले लिया जाए। सो दोनों लिस्ट में से छोटा कौन सा है, 15, वो हमने पहले ले लिया। अब इस लिस्ट के एलिमेंट्स ही खत्म हो गए, तो मर्जिंग में क्या होता है, जब एक लिस्ट के एलिमेंट खत्म हो जाए तो दूसरी लिस्ट को पीछे एज इट इज अटैच कर दिया जाता है। सो हमने 20 को एज इट इज अटैच कर दिया। सो इतना पार्ट मेरे पास सॉर्ट हो चुका है। अब सिंस ये 15 20 वाला पार्ट सॉर्टेड है, मैं अब इसके सेकेंड हाफ पे जाऊंगी। इसके सेकेंड हाफ में एक ही नंबर था, दैट वाज 9। सो 9 को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो अब हम 0 से लेके 2 तक
मर्जिंग ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम 0 से लेके 2 तक का मर्जिंग करते हैं तो 9 और 15 चेक होंगे, इसका फर्स्ट नंबर और इस लिस्ट का फर्स्ट नंबर, दोनों में से 9 छोटा है वो पहले आ जाएगा। ये लिस्ट खत्म ही हो गई, इसके बाद इसमें एलिमेंट्स बचे ही नहीं, तो जो दूसरी लिस्ट है उसके एलिमेंट्स एज इट इज पीछे कॉपी हो जाएंगे। तो आपके पास इतना पार्ट सॉर्ट हो गया, इतना पार्ट सॉर्ट हो गया, तो इसका जो है वो मेरे पास सॉर्टेड इधर आ गया। अब मैं इसके सेकेंड हाफ पे जाऊंगी, इसके सेकेंड हाफ में मेरे पास 2 ही नंबर थे क्योंकि ये 0 to 2 बना था। सो 3 से 4 तक आपकी ये लिस्ट बनेगी 25 और 16, जिसका अगर हम मिड कैलकुलेट करेंगे तो 3 आएगा। मिड 3 आने से क्या होगा, ये 3 अलग हो जाएगा और ये 16 अलग हो जाएगा। फिर अपने आप में इकलौता नंबर सॉर्टेड होता है, सो नंबर इन इटसेल्फ इज सॉर्टेड। तो फिर से मर्जिंग का कंसेप्ट लगाओ, तो ये 16 पहले, उसके पीछे बचे हुए नंबर, सो दिस इज सॉर्टेड। अब इस फर्स्ट हाफ के ये 2 हाफ आपस में सॉर्ट हो चुके हैं, ये इंडिपेंडेंटली सॉर्ट है, अब इनको हमें मर्ज करना है। तो इनको मर्ज करेंगे तो आप देखोगे 9 और 16 में से छोटा कौन सा है, 9, हम इसमें आगे आ जाएंगे। फिर हम देखेंगे 15 और 16 में से छोटा कौन सा है, 15, फिर इसमें आगे आ जाएंगे। 20 और 16 में से छोटा कौन सा है, 16, फिर इसमें आगे आ जाएंगे। 25 और 20 में से 20, ये लिस्ट खत्म हो गई, तो दूसरी लिस्ट में बचे हुए एलिमेंट्स पीछे आ जाएंगे। सो हम उसको मर्ज का मतलब ही यही होता है कि आप इस तरह से कंपेयर करो कि छोटा नंबर हम पहले पिक करते जाए एंड अकॉर्डिंगली वी कीप मूविंग इन द लिस्ट। सो अब आप देख रहे हो आपका फर्स्ट हाफ सॉर्ट हो चुका है, 9, 15, 16, 20, 25, सो दिस इज सॉर्टेड। फर्स्ट हाफ हो गया, लेकिन सेकेंड हाफ तो अभी वही वेट कर रहा है, सेकेंड हाफ अभी वही वेट कर रहा है, तो हम शुरू करेंगे यहां से। हमारे पास है 5, 18, 12, 23, 7, जिसका जो बिगिनिंग है वो 5 है और जो एंड है वो 9 है, ठीक है। सो बिगिनिंग इज 5, एंड इज 9, तो आप यहां पर निकाल लोगे मिड, मिड निकालोगे 5 plus 9 upon 2, दैट इज 7, ठीक है। सो 5 plus 9 is 14, 14 upon 2 is 7, ये आ गया मेरे पास। अब ये क्या बना, 5, 18, 12, सो दिस इज 5, 6, 7, 23, 7 is 8, 9, ठीक है। अब इसमें से फर्स्ट हाफ के साथ फिर से हम करेंगे रिपीट, फिर से आपके पास मिड आएगा, सो 5 plus 7 is 12 upon 2 is 6, सो उस हिसाब से आपका 5 और 18 अलग हो जाएगा। फिर इसका मिड आएगा 5, तो आपका 5 अलग हो जाएगा, 18 अलग हो जाएगा। इसका बिगनिंग और एंड 5 है, इसका बिगनिंग और एंड दोनों ही 6 है, सो दैट मींस अब अगेन सिंगल सिंगल एलिमेंट्स रह गए। अब जब सिंगल एलिमेंट्स रह जाते हैं तो हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। तो 5 और 18 में से छोटा कौन सा है, 5, बचे हुए एलिमेंट्स पीछे अटैच करो, तो ये आपका 5 और 6 हो गया। अब यहाँ आए तो 12 अकेला बचा था, 12 अपने आप में सॉर्टेड है, मर्ज करो, 5 और 12 में से छोटा कौन सा होता है, 5, फिर आप 18 पे आ जाओगे, 12 और 18 में से छोटा कौन सा है, 12, ये लिस्ट खत्म हो गई, फिर पीछे 18 आ जाएगा। सो ये आपका 5 पोजीशन से 6 पोजीशन तक सॉर्ट हो गया। फिर हम वापस इस हाफ पे आ जाएंगे, ये हाफ हो गया, अब इस हाफ पे आ गए, तो ये भी फर्दर डिवाइड हो जाएगा, 23 अलग, 7 अलग, फर्दर डिवाइड हो नहीं सकता, इसको सॉर्ट करेंगे तो मर्ज कर देंगे, मर्ज करेंगे तो ये हमारा 723 हो गया। 723 होने के बाद अब आप इसको मर्ज करोगे, इसको मर्ज करोगे तो पहले 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 12, फिर 18, फिर 23, सो दिस इज योर 5 इंडेक्स से लेकर 9 इंडेक्स तक। अब फर्स्ट हाफ सॉर्टेड है, सेकेंड हाफ भी सॉर्टेड है, इसको मर्ज करना है, तो इसका पहला एलिमेंट है 5, इसका पहला एलिमेंट है 9, छोटा कौन सा है, 5, फिर हम यहां पर पहुंच गए, 7 और 9 में से छोटा कौन सा है, 7, फिर हम यहां पे पहुंच गए, 9 और 12 में से छोटा कौन सा है, 9, अब आप इसमें आगे जाओगे, 15 और 12 में से छोटा कौन सा है, 12, इसमें आगे जाओगे, फिर 15, फिर 16, फिर 20 और 18 में से 18, फिर 20 और 23 में से 20, फिर 25 और 23 में से 23, ये लिस्ट खत्म हो गई, इसमें एक ही एलिमेंट बचा है, कॉपी कर दिया, सो दिस इज योर एरे फ्रॉम पोजिशन 0 टू पोजिशन 9, सॉर्टेड इन
इंक्रीजिंग ऑर्डर। मजेदार है ना, कैसी लगी सॉर्ट? सो दिस इज इंटरेस्टिंग। बहुत सारा काम करना पड़ता है ना, तो हमें काम करना पड़ रहा है। सिस्टम इसको लेकिन फास्ट करेगा, आपके सिलेक्शन और बबल सॉर्ट से भी ज्यादा फास्ट करता है। अब इसका कोड क्या होगा, कैसे लिखेंगे, फिर हम एक एग्जाम्पल कोड के साथ भी चलाकर देखेंगे। ठीक है, पहले मैंने आपको सिर्फ लॉजिक बताया क्या होता है। सो ये तो हो गया आपका मर्ज सॉर्ट का लॉजिक, पर अब इसका कोड कैसे करोगे? सिंपल है, दो फंक्शंस बनाएंगे हम यहाँ पे, एक मर्ज और एक मर्ज सॉर्ट। ठीक है, मर्ज सॉर्ट देखो बहुत बेसिक होगा। आपने बनाया वॉइड मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट में हम सी में लिख रहे होंगे कोड अभी, तो हम एक एरे रिसीव कर रहे होंगे, हम एक स्टार्टिंग पोजिशन रिसीव करेंगे और एंडिंग पोजिशन रिसीव करेंगे। अगर तो स्टार्टिंग और एंडिंग पोजिशन सेम है, ठीक है, वही इंडेक्स आपका स्टार्टिंग भी है, वही इंडेक्स आपका एंडिंग भी है, मतलब सिंगल एलिमेंट है मेरे पास। जब सिंगल एलिमेंट है तो दैट मीन्स वो अपने आप में सॉर्टेड है, मुझे आगे कुछ नहीं करना। ठीक है, सो व्हेन यू हैव अ सिंगल एलिमेंट लेफ्ट इन द एरे, दैट इज द ओनली एलिमेंट लेफ्ट, तो मुझे आगे कुछ नहीं करना, मैं यहीं से क्या कर दूंगी, रिटर्न। सो इफ बिगिनिंग इज इक्वल टू एंड, हम यहीं से रिटर्न कर देते हैं, फाइन। अब अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो आप अपना मिड लो, इंट मिड इज इक्वल टू बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइडेड बाय टू, एंड यू विल कॉल मर्ज सॉर्ट। रिकर्शन करेंगे हम यहां से, मर्ज सॉर्ट को कॉल करेंगे, सेम एरे पास होगा, लिस्ट की शुरुआत होगी बिगिनिंग से, खत्म हो जाएगी मिड पे, दैट इज द फर्स्ट हाफ। फिर आप इसी मर्ज सॉर्ट को कॉल करोगे फॉर दी सेकेंड हाफ, दैट विल बी मिड प्लस वन से एंड तक। ठीक है, तो हम कहां से ले रहे हैं, मिड प्लस वन से एंड तक। तो मर्ज सॉर्ट ए कॉमा बिगिनिंग कॉमा मिड, ए कॉमा मिड प्लस वन कॉमा एंड, तो ये हमने कॉल कर लिया। सो आपने फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ को मर्ज सॉर्ट कर लिया, तो जब ये दो कॉल्स हो चुकी होंगी तो मुझे पता है कि चलो दोनों हाफ मर्ज सॉर्ट से सॉर्ट हो चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू मर्ज देम। आप उनको मर्ज करना चाहते हो तो आप एरे का नाम दोगे, एरे का नाम कॉमा, आप क्या दोगे, बिगिनिंग, ठीक है, फिर मिड और एंड। तो मैंने कहा कि यहां से लेके यहां तक को मर्ज करो और बीच में जो मिड है वो मेरा मिड पॉइंट है। ठीक है, आप चाहो तो मिड कॉमा मिड प्लस वन कॉमा एंड भी पास कर सकते हो कि बिगनिंग और एंड ऑफ द फर्स्ट लिस्ट, बिगनिंग एंड एंड ऑफ द सेकेंड लिस्ट, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मर्ज का कोड कैसे कर रहे हो। और जरूरी नहीं है कि सब जगह आपको सेम कोड मिले, बट रिकर्शन का कोड आपका ये सेम रहेगा। मर्ज लिखने का हर किसी का अपना स्टाइल हो सकता है और अपने अपने स्टाइल से उसकी कोडिंग की जा सकती है। ठीक है, सो ये रिकर्सिव कोड है कि अगर तो बिगनिंग और एंड सेम है तो रिकर्शन खत्म हो जाएगी, आगे कॉल नहीं होगा, लेकिन अगर बिगनिंग और एंड सेम नहीं है तो वो मिड पॉइंट निकालेगा और फिर दोनों हाफ के लिए मर्ज सॉर्ट को कॉल करेगा। जब दोनों हाफ सॉर्ट हो चुके होंगे तो वो उन दोनों हाफ को मर्ज करेगा विद द हेल्प ऑफ मर्ज। अब मर्ज कोई बना हुआ फंक्शन तो है नहीं, वो भी आपको ही बनाना पड़ेगा, सो यू हैव टू कोड फॉर दैट एज वेल। तो हमें मर्ज फंक्शन भी बनाना है खुद से। हम यहाँ पर मर्ज फंक्शन ऑब्वियसली पहले डिक्लेयर करके रखोगे, ठीक है, और फिर डिफाइन कर दोगे। तो यहाँ पर आपने डिफाइन किया कि भाई एरे आ रहा है हमारे पास, फिर बिगिनिंग वन को आप ले सकते हो, स्टार्ट वन या जो भी नाम देना चाहो, या मैंने बी वन ले लिया, मिड जो है वो आपका एंड वन है, ठीक है, फिर आपने एंड टू रिसीव किया है। यहाँ पर मैंने बिगनिंग टू नहीं लिया तो वो मैं खुद से ले लूंगी, मैंने यहाँ पर एंड बिगनिंग टू को क्या ले लिया, एंड वन से एक अगली वैल्यू। सो जो भी एंड है फर्स्ट लिस्ट का प्लस वन जो होगा वो मेरी सेकेंड लिस्ट का बिगनिंग होगा, तो आई हैव टेकन इट लाइक दिस। उसके अलावा आपको जो भी वेरिएबल्स चाहिए होंगे आप ले सकते हो, इंट आई जे के व्हाटएवर यू वांट। देखो एक मुझे यहाँ पर एरे भी लेना पड़ेगा क्योंकि हम सॉर्ट करके किसी अलग एरे में नहीं डाल रहे। जब हमने मर्जिंग ऑफ टू एरेस किया तो हमारे पास एक एरे ए अलग था, एरे बी अलग था, उसमें से हम एलिमेंट्स को उठा के सी में डाल रहे थे, तो ठीक था, कुछ ओवरराइट नहीं हो रहा था। यहाँ पर ए के ही हिस्सों में नंबर्स है और आपको उन्हें ए में ही ओवरराइट कराना है, तो मैं ओवरराइट कैसे करा दूं, मैं डायरेक्टली तो ओवरराइट नहीं करा सकती, तो मैं डायरेक्टली ओवरराइट नहीं करा सकती तो मैं यहाँ पर एक तीसरा एरे ले लूंगी, मतलब दूसरा एरे ले लूंगी, उसका नाम कुछ भी दे दिया आपने,
मैक्स मान लो हमने एरे का साइज ले रखा है प्रोग्राम में, तो यहाँ पे भी इंट सी मैक्स मैंने ले लिया। अब पहले मैं इसमें डलवाऊंगी कहाँ से कहाँ तक के एलिमेंट्स, B1 से E2 तक के एलिमेंट्स। सो आई वॉन्ट कि पहले इसमें सॉर्ट होके चले जाए और उसके बाद उनको मैं वापस A में कॉपी करा दूं, क्योंकि अगर मैं A में डालना होंगी वैल्यूज तो वो ओवरराइट कर देंगे एग्जिस्टिंग वैल्यूज को, क्या पता मुझे वो चाहिए हो बाद में, तो मैं ओवरराइट नहीं करा सकती, इसलिए मैं ये तीसरे एरे की हेल्प ले रही हूँ। सो आई मुझे चाहिए जो कि शुरू होगा फर्स्ट लिस्ट के बिगनिंग से, ठीक है। जे मुझे चाहिए जो कि शुरू होगा सेकेंड लिस्ट के बिगनिंग से, और के भी आपका फर्स्ट लिस्ट से शुरू होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें आपकी मर्जी है, आपको अगर फॉर लूप कंफर्टेबल लगता है आप फॉर लूप लगा सकते हो, आपको वाइल कंफर्टेबल लगता है तो आप वाइल लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया, वाइल जब तक आई एंड नहीं हो जाता, मतलब आई अपने एंड तक ना पहुंच जाए एंड जे अपने एंड तक ना पहुंच जाए। तो जब तक आपके पास हम एंड तक नहीं पहुंच जाते, किसी भी एक लिस्ट के एंड में पहुंच गए तो लूप रुक जाएगा, ठीक है, क्योंकि एंड लगा है। हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कि कौन सी वैल्यू छोटी है। इफ ए आई इज लेस देन ए जे, अगर तो ए आई ए जे से छोटी है, तो जो सी वाला एरे मैंने लिया है उसमें के पोजिशन पर उस वैल्यू को आप कॉपी करा दोगे और आपका के भी इंक्रीज हो जाना चाहिए, आई भी। अब देखो इसको मैं ऐसे लिखूं जैसे मैंने अभी लिखा है, सी के इज इक्वल टू ए आई और उसके बाद के प्लस प्लस और आई प्लस प्लस लिखा है, हम सी में कोडिंग कर रहे हैं तो अगर हम सच्चे सी के प्रोग्रामर हैं तो हम एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स क्यों लिखेंगे, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर सी के प्लस प्लस इज इक्वल टू ए आई प्लस प्लस, तो पोस्ट इंक्रीमेंट लिखो। पोस्ट इंक्रीमेंट से क्या होगा, पहले असाइन होगा और उसके बाद आपका इंक्रीज हो जाएगी वैल्यू। तो के इंडेक्स तो हर बार इंक्रीज होना ही है, बट आपको देखना यह है कि जे को इंक्रीज करना है या आई को। तो अगर आप आई वाली साइड से वैल्यू ले रहे हो तो आई इंक्रीज हो जाएगा, अगर आप जे वाली साइड से वैल्यू ले रहे हो तो जे इंक्रीज हो जाएगा, और ये काम तब तक होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा जब तक दोनों में से कोई एक लिस्ट खत्म नहीं हो जाती। जब दोनों में से कोई एक लिस्ट या तो आई एंड वन को क्रॉस कर जाए मतलब फर्स्ट लिस्ट खत्म हो गई, या जे जो है वो ई टू से बड़ा हो जाए मतलब सेकेंड लिस्ट खत्म हो गई, कोई एक जब खत्म हो जाएगी हम इस वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। सो इस वाइल लूप से हम तब बाहर आएंगे जब किसी भी एक लिस्ट के एलिमेंट्स मतलब किसी भी एक पार्ट के एलिमेंट्स हम प्रोसेस कर चुके होंगे। अब उसके बाद हमारा ये पर्पस होता है कि जिसमें एलिमेंट्स बचे हुए हैं उनको भी कॉपी करा दिया जाए, ठीक है। तो जिसमें एलिमेंट्स बचे हुए हैं उनको भी कॉपी करा दिया जाए, हमें नहीं पता किसमें बचे हैं, तो हम चेक कर सकते हैं कि आई अगर अभी भी E1 से छोटा है तो आप फॉर लगा लो। फॉर में इनिशियलाइजेशन में कुछ नहीं लिखना, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक आई को भी इंक्रीज करो, के को भी इंक्रीज करो और सी के पे ए आई को शिफ्ट कराते जाओ, ठीक है। अब अगर आई लेस देन इक्वल टू E1 नहीं है तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि दूसरा वाला ही होगा, है ना। सो दूसरा वाला ही होगा तो उस केस में जे लेस देन इक्वल टू E2 ले लो, जे प्लस प्लस कॉमा के प्लस प्लस कर देंगे। आप अगर वैसे नेट पे सर्च करोगे आपको इसके अलग एल्गोरिदम भी मिल जाएंगे, तो मर्जिंग इज टोटली अप टू यू, आप खुद से कुछ सोच सकते हो, आप वो भी लगा सकते हो। तो ए जे को मैंने शिफ्ट करा दिया। अब मेरे पास सी वाले एरे में बिगिनिंग वन से लेकर एंड टू तक सॉर्टेड एलिमेंट्स हैं जो कि मैं चाहती हूँ कि वापस मेरे ओरिजिनल एरे में चले जाएं। तो मैंने यहाँ पर आई या कोई भी ले लो, B1 से शुरू किया, E2 तक चलाया और इनको A में कॉपी करा दिया। दैट्स इट, ब्रैकेट क्लोज। सो दिस इज द पर्पस ऑफ मर्ज। मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ इसको स्मॉल करके, फिर अभी हम इसको कोड करके भी देखेंगे ये कैसे काम कर रहा है। सो मेरा लॉजिक ये है यहाँ पर कि भाई ये मर्ज का कोड है, ठीक है, कि जब तक दोनों में से किसी भी लिस्ट में एलिमेंट है तब तक मैं दोनों में से जहाँ छोटा मिलेगा उसको सी में कॉपी कराते जाऊंगी और आगे आगे बढ़ते जाऊंगी। तो दोनों में से कोई एक लिस्ट है जो पहले खत्म हो जाएगी, जब वो लिस्ट खत्म हो जाएगी तो जो भी लिस्ट बची है उसके एलिमेंट्स को हम कॉपी करा देंगे। और सिंस ये चेंजेस आपने एरे सी में किए हैं तो इनको वापस आपको एरे ए में भी करना
करवाना होगा एंड वो हम लास्ट लूप की हेल्प से कर रहे हैं। मैं अभी ये कोड करके आपको रन करके दिखाती हूँ, देन आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ कोड ये चल कैसे रहा है, ठीक है? पर पहले बताओ, कुछ कुछ समझ में आया, मतलब कुछ तो समझ आया होगा कि हम एग्जैक्टली यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं। सो अब हम इसको कोड करके देखते हैं, ठीक है? हम बना के देखते हैं कि ये कैसे चलेगा। सो देखो, यहां पर अगर आप पहले बना रहे हो तो पहले आपको बनाना पड़ेगा मर्ज। सो हैश इंक्लूड के बाद मैंने लिख दिया हैश डिफाइन मैक्स, जो भी साइज आप देना चाहते हो, ठीक है? सो मर्ज मेरा एक फंक्शन है, मैं ऊपर ही डिफाइन कर रही हूँ फंक्शंस को। ये इंट ए हो गया, आप देखिंग बिगिनिंग वन एंड टू, सॉरी एंड वन एंड टू। अब इसके अंदर हम कोड कर देंगे। अभी जो मैंने किया बिल्कुल सेम वही चीज करने वाली हूँ मैं, कुछ डिफरेंट नहीं करूंगी। आई जे के ले लिया, फिर मैंने इंट सी मैक्स ले लिया, आई और के में बिगनिंग वन होना चाहिए, जे में बिगनिंग टू होना चाहिए विच इज एक्चुअली एंड वन प्लस वन, ठीक है? अब हमने लूप लगाया व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू एंड वन एंड J less than equal to end 2। अगर ऐसा है तो इसके अंदर आप चेक करो कि AI की वैल्यू अगर AJ से छोटी है तो CK में AI आना चाहिए, else ये आना चाहिए, ठीक है? ये हो गया, यही कोड था। और उसके बाद हम चेक कर रहे थे कि अगर अभी भी मेरे पास फर्स्ट लिस्ट में एलिमेंट्स हैं तो मैं एक फॉर लूप लगा देती हूँ, इनिशियलाइजेशन नहीं देंगे, जहां है वहीं से शुरू करेगा, तब तक चलेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू आ रही है और आपका आई और के दोनों इंक्रीज होने चाहिए, सी के पे ए आई कॉपी हो जाएगा। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो फिर से सेम चीज होगी, बस यहाँ पर j हो जाएगा लेस देन e2 j++ k++ ck पे aj आ जाएगा। दैट्स इट। अब हम इसको वापस ओरिजिनल एरे में कॉपी करा देंगे, तो बिगनिंग वन से शुरू करेंगे एंड टू तक जाएंगे, i++ होगा और यहाँ पर ai के अंदर सी आई कॉपी हो जाएगा। और एरेज में चेंजेस अपने आप रिफ्लेक्ट होते हैं, तो आपको यहाँ पर चेंजेस रिफ्लेक्ट कराने के लिए कुछ करना भी नहीं है, क्योंकि एरेज आर ऑलवेज पास्ड बाय रेफरेंस। तो जो भी चेंज आप एरे में कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली वैसे भी आपका रिफ्लेक्ट हो ही रहा है, ठीक है? अब इसके बाद हम बनाएंगे अपना रिकर्सिव कोड, जहां पर हमने चेक किया कि अगर तो बिगिनिंग एंड के इक्वल है तो भैया कुछ नहीं करना, रिटर्न कर दो यहाँ से। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मिड कैलकुलेट करो, मिड शुड बी बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइडेड बाय टू, और उसके बाद आप मर्ज सॉर्ट को कॉल करवा लोगे, एरे पास करोगे, बिगिनिंग पास करोगे, मिड पास करोगे, फिर से मर्ज सॉर्ट को कॉल करवाओगे, एरे पास करोगे, मिड प्लस वन पास करोगे बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिगिनिंग, और एंड पास करोगे, और फिर कॉल करोगे मर्ज जो हमने ऊपर बनाया है, जिसमें आप बिगनिंग पास कर रहे हो, मिड पास कर रहे हो और एंड पास कर रहे हो, ठीक है? ये मेरा हो गया कोड। अब आता है आपका असली काम यहाँ पे, जहां पर आप एक एरे लोगे। पहले मैं आपको एक फिक्स्ड एरे लेके दिखा देती हूँ, फिर हम यूजर से भी एरे इनपुट करवाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ले लिया इंट ए और यहाँ पर कुछ भी वैल्यूज ले ली, एनीथिंग यू टेक, डजंट मैटर कि आप क्या ले रहे हो, उसका काम है सॉर्ट करना और वो आपको सॉर्ट करके देगा, ठीक है? लेट्स से मैंने कुछ भी ये वैल्यूज ले ली। नाउ मेरे को क्या करना है यहाँ पे, मर्ज सॉर्ट को कॉल करना है, एरे को पास करना है, कितनी वैल्यूज है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डाल दी मैंने, तो 11 दे दी है, तो उस केस में आपके पास इंडेक्स जो है वो 0, 10 चला जाएगा।
इससे पहले आप प्रिंट करा के दिखाना चाहते हो कि एरे क्या है, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट किया इनिशियल एरे इज, ठीक है, और फिर लूप लगा लिया फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 11, आई प्लस प्लस प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा ए आई, ठीक है। नाउ सेम चीज में सॉर्टिंग के बाद भी प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो मैंने इसके बाद भी करा दिया कि सॉर्टेड एरे इज दिस। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट इट। ओके, इसको हमने किया रन, सो आप देख पा रहे हो सॉर्टेड। तो मेरा ओरिजिनल एरे जो था वो सॉर्टेड नहीं था, ठीक है, लेकिन जो आउटपुट में वो दिखा रहा है वो मेरा सॉर्टेड एरे है। सो दैट्स हाउ वी कैन सॉर्ट एन एरे यूजिंग मर्ज सॉर्ट। तो यहां पर हमने मर्ज सॉर्ट को यूज करके आपके एरे को सॉर्ट कर दिया। अब यहां पर मैं इनिशियल एरे लेने की जगह यूजर से भी एरे इनपुट करा सकती हूँ। तो मैं उसे पूछ सकती हूँ पहले हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, फिर आप अकॉर्डिंगली वो नंबर्स इनपुट करवा लो और उसके बाद मर्ज सॉर्ट को कॉल करो और फिर आप उनको शो करा सकते हो। सो एनी हाउ यू डू इट, मर्ज सॉर्ट का काम तो सेम ही है, ठीक है। सो मर्ज सॉर्ट क्या है? डिवाइड एंड सॉर्ट टेक्निक। सो डिवाइड एंड सॉर्ट का मतलब ही यही है कि आप लिस्ट के टुकड़े करते जाओ करते जाओ करते जाओ जब तक सिंगल सिंगल एलिमेंट ना रह जाए, और वो सिंगल एलिमेंट अपने आप में सॉर्टेड होता है, फिर आपको उन्हें इकट्ठे करते जाना है ताकि आप वापस दो को जोड़ा सॉर्टेड लिस्ट हो गई, दो दो को जोड़ा तो चार की सॉर्टेड लिस्ट हो गई, चार चार को जोड़ा आठ की सॉर्टेड लिस्ट हो गई। तो दैट इज हाउ यू फाइनली रीच टू द कंप्लीट सॉर्टेड लिस्ट। आर यू गेटिंग इट? ये आपका कोड पेस्ट कर देती हूँ मैं, व्हाट्सएप पे भी दे दूंगी, सो दैट यू गेट इन अ प्रॉपर वे। बट समझ आया आपको? डू यू अंडरस्टैंड हाउ इट्स वर्किंग? लंबा है कोड पर उतना मुश्किल नहीं है अगर आप समझो इसको तो, है ना? इट इज लेंथी नो डाउट, बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। मर्ज में, बेटा मर्ज में हमने सिर्फ पास किया कि आपके पास बिगनिंग कहां से शुरू हो रही है, मतलब जो फर्स्ट हाफ ऑफ द लिस्ट है वो कहां से शुरू हो रहा है, कहां पे खत्म हो रहा है, ठीक है। और हमने क्या रिसीव किया? देखो यहां से जब आप मर्ज को कॉल कर रहे हो, व्हेन यू आर कॉलिंग मर्ज, तो आप क्या पास कर रहे हो? एरे। एरे इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। जो आपका इनिशियल बिगनिंग था, आपकी जो लिस्ट है वो पूरी बिगनिंग से एंड तक थी ना, बिगनिंग से एंड तक थी, जिसके दो हिस्से किए गए, बिगनिंग से मिड तक एक हिस्सा हुआ, मिड प्लस वन से एंड तक दूसरा हिस्सा हुआ। फिर हम मर्ज में पास कर रहे हैं बिगनिंग, मिड और एंड। तो जो बिगनिंग है वो मेरी फर्स्ट लिस्ट की बिगनिंग है, तो यहाँ पे बिगनिंग वाली वैल्यू बी वन में आ जाएगी। जो मिड है वो आपकी फर्स्ट लिस्ट का एंड होता है ना। और फिर जो सेकेंड लिस्ट है उसकी बिगनिंग क्या होती है? मिड प्लस वन। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, बिगनिंग टू में क्या ले लिया, एंड वन प्लस वन, दैट इज इन अ वे मिड प्लस वन। तो सेकेंड लिस्ट आपकी कहाँ से शुरू हो रही है? मिड प्लस वन से। और सेकेंड लिस्ट खत्म कहाँ हो रही है? एंड पे, जो कि ई टू में आ रहा है। सो एंड की जो वैल्यू है वो ई टू में आई है। अगर मैं आपको इसी एग्जाम्पल के हिसाब से बताऊं जो हमने यहाँ पर बनाया, ठीक है, ये जो हमने ऊपर किया था, तो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली अगर आप देखते हो तो आपका जब पहली बार कॉल हुआ तो आपने 0.9 पास किया क्योंकि 10 नंबर थे, है ना। सो यहाँ से मर्ज सॉर्ट सबसे पहले कॉल हुआ क्योंकि मेन में से तो हम मर्ज सॉर्ट को ही कॉल कर रहे हैं ना, मेन में से तो हमने मर्ज को कॉल नहीं किया, मेन में से हमने मर्ज सॉर्ट को कॉल किया। तो सबसे पहले कॉल हुआ ए 0.9 के लिए, ठीक है, बिगिनिंग और एंड उसमें सेम नहीं है, तो वहां पर मिड कैलकुलेट हुआ 4। अब यहां से दो कॉल्स होंगी, ये और ये वाली जो कॉल होगी ये क्या पास करेगी, 0.4। ये वाली जो कॉल होगी ये क्या पास करेगी, 5.9। यही है बिगनिंग कॉमा मिड, दैट इज 0.4। ये वाली कॉल करेगी 5.9, पर इस कॉल पे तो हम अभी आ ही नहीं सकते, जब तक ये कॉल पूरी खत्म ना हो जाए तब तक वो अगली लाइन पे जाएगा ही नहीं। तो यहाँ से फर्दर कॉल हो गया, रिकर्शन का मतलब ही यही है कि जब तक ये कॉल खत्म होके वापस नहीं आएगी, इट विल नॉट गो टू दिस कॉल। अब A04 कॉल हुआ, उसमें फिर से उसने क्या चेक किया कि बिगनिंग और एंड सेम है, नहीं, मिड पॉइंट आया 2। अब फिर से मर्ज सॉर्ट कॉल हो गया, अब मर्ज सॉर्ट कॉल हुआ A02 के लिए, जब इस कॉल से वो वापस आएगा
तो वो कॉल करेगा A34 के लिए, है ना। पर अभी तो पहले A02 के लिए कॉल हुआ है, फिर कॉल हुआ, देखा कि क्या बिगनिंग और एंड सेम है, नहीं। फिर मिड पॉइंट आया 1, तो अब कॉल हुआ A01 के लिए। अब जब A01 के लिए कॉल हुआ तो क्या बिगनिंग और एंड सेम है, नहीं। फिर से कॉल हुआ A00 के लिए, इस बार आपके पास क्या आया कि हाँ मिड पॉइंट नहीं निकाल सकते क्योंकि एक ही एलिमेंट है, 0 ही बिगनिंग है, 0 ही एंड है, तो वो यहां से वापस जाएगा। फिर वो इसके सेकेंड हाफ के लिए कॉल करेगा, दैट इज A11। अब A11 फर्दर नहीं हो सकता, रिटर्न हो जाएगा, वापस आएगा। अब देखो जब यहाँ वापस आया मतलब उसकी ये कॉल भी हो चुकी है, ये कॉल भी हो चुकी है, वो कॉल करेगा इसे मर्ज को पहली बार। जब पहली बार मर्ज कॉल होगा तो बिगनिंग में जाएगा 0, मिड में जाएगा 0, एंड में जाएगा 1। सो इट विल मर्ज 0 0 1, मतलब वो 0 0 और 1 1 वाले को मर्ज कर रहा है। तो सी में 0 से लेकर 1 पोजिशन तक आपकी वैल्यूज सॉर्टेड आ जाएंगी। तो 0 से 1 पोजिशन सॉर्टेड हो गई, जब ये काम हो गया, ये सॉर्ट हो गया, तो ये जाएगा ऊपर, ठीक है। अब ये कॉल किसके लिए करेगा, A22 के लिए। 22 के लिए कॉल किया, उसको फर्दर हम कर ही नहीं सकते, वो यहाँ ऊपर से रिटर्न हो जाएगा, वापस जाएगा। अब इस A02 वाली दो कॉल्स हो चुकी है, ये कॉल हो चुकी है, ये कॉल हो चुकी है, मतलब ये दो पार्ट सॉर्टेड है। अब आपके बिगिनिंग में जाएगा 0, मिड में 1, एंड में 2, मतलब मेरी पहली लिस्ट 0 से 1 तक है, दूसरी लिस्ट 2 से 2 तक है। तो अब ये मर्ज का काम क्या है कि एरे में 0 से लेके 2 पोजिशन तक सॉर्टेड डेटा आ जाए। तो 0 से लेके 2 पोजिशन तक सॉर्टेड डेटा आ गया। अब ये वाली कॉल अगर हम देखें तो ये 0 2 वाली कॉल खत्म हो गई है, अब वो यहां से इसके ऊपर वाला जो लेवल है वो इधर आएगा। जब वो इधर आएगा तो वो A34 पे जाएगा। A34 बिगनिंग और एंड सेम नहीं है, मिड पॉइंट निकलेगा 3। फिर से कॉल करेगा A33 के लिए, वहां से वापस आ जाएगा। फिर कॉल करेगा A44 के लिए, वहां से वापस आ जाएगा। फिर मर्ज पे पहुंचेगा, 3 से 4 तक वालों को सॉर्ट करेगा। अब एरे में 3 से 4 भी सॉर्ट हो गया है, तो ये कॉल भी पूरी हो गई। अब देखा जाए तो आपकी A02 वाली कॉल पूरी हो चुकी है, A34 वाली कॉल पूरी हो चुकी है यहाँ पे। अब वो मर्ज पे पहुंचेगा तो वो 0 से लेके 4 तक को मर्ज करेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि अब आपके बिगनिंग में जा रहा है 0, एंड में जा रहा है 2, और एंड 4 में जा रहा है 4। तो 0 से 2 मेरी पहली लिस्ट है, 3 से 4 मेरी दूसरी लिस्ट है, जिसको वो सॉर्ट करके डाल रहा है। फिर जब ये खत्म होगी फिर इसी तरह से सेकेंड हाफ के लिए चलेगा। जब सेकेंड हाफ भी पूरा हो जाएगा फिर वो मर्ज करेगा दोनों हाफ। तो यहाँ सिर्फ पोजिशन के बेसिस पे ही हम डिसाइड कर रहे हैं कि कितने पार्ट को आपको मर्ज करके डालना है। अभी आ गया ना समझ? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, सो दिस इज मर्ज सॉर्ट। सो ये सिस्टम में फास्ट काम करती है, लेकिन जब हम समझते हैं या जब हम कोड को लिखते हैं तो थोड़ा लेंदी हो जाता है, ठीक है, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो दैट्स हाउ मर्ज सॉर्ट वर्क्स। इसको आप खुद से भी बना के देखना तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, और बनाने से पहले तो आप इसको ऐसे करके देखना जो मैंने आपको ये किया है, जो ये दिखाया है। यू वॉन्ट दिस PDF? ये जो व्हाइट बोर्ड है ये चाहिए आपको? मैं इसको सेव कर देती हूँ, आई विल प्रोवाइड यू, सेव इट एज अ PDF, ठीक है, ये मैं भेज देती हूँ आपको व्हाट्सएप पे। ये क्या है, मर्ज सॉर्ट, आई विल सेंड यू दिस, ठीक है। सो आई होप इट्स क्लियर हाउ डज मर्ज सॉर्ट वर्क। ऐसे ही क्विक सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट और भी अच्छी अच्छी टेक्निक्स हैं, हीप सॉर्ट भी है। ये बहुत लेंदी लेंदी टेक्निक्स है, लेकिन ये वैसे बहुत इफेक्टिव होती है। थैंक यू।